गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक में दी गई कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ेंगे, जिसके कवि है श्री शमशेर बहादुर सिंह। श्री शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून में हुआ एवं इनकी मृत्यु 12 मई 1993 में हुई। तो कविता को शुरू करने से पहले आइए कविता के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कविता एक 10-11 साल के बीच की लड़की की चांद के प्रति कल्पनाओं पर आधारित है। कि वह लड़की जब चांद को देखती है तो उसके मन में बहुत से सवाल उठते हैं कि जब पूर्णमासी आती है तो चांद पूरा गोल होता है, बिल्कुल गोल, पूरा गोल होता है, और चांद लेकिन अमावस आते आते वह चांद बिल्कुल ही गायब हो जाता है, और जब पूर्णमासी आती है तो वह धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर से पूरे रूप में आ जाता है। तो जब वह चांद के इस घटते बढ़ते रूप को देखती है तो इसका कारण खुद ही कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करती है। वो खुद को ही चांद से सवाल पूछती है और फिर खुद ही उन सवालों का जवाब भी देती है, अपनी कल्पनाओं के आधार पर। सवाल भी खुद ही पूछती है और जवाब भी खुद ही अपनी कल्पनाओं, अपनी इमेजिनेशन के आधार पर जवाब भी खुद ही लगा लेती है। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। इसके पहले पद में लड़की चांद से क्या कहती है देखते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए है कुल आकाश तारो जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। देखिए वह लड़की चांद से बातें कर रही है और चांद से कह रही है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप हो तो गोल गोल लेकिन दिखने में तो थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं, तिरछे दिखाई देते हैं यानी टेढ़े दिखाई देते हो तुम। तुमने सारे आकाश को कपड़ों की भांति पहना हुआ है, या कहा है ना आप पहने हुए कुल आकाश, यानी आकाश को उस चांद के वस्त्र कहा गया है। आकाश माने उस चांद के वस्त्र है, कपड़े है, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, और वो कपड़े कैसे है, और यह तुम्हारी जो पोशाक है वह तारों से जड़ित है, मतलब तुम्हारे आकाश में तारे होते हैं, टिम 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 करते हैं तारे। तो उस लड़की ने कल्पना की है कि वो तारे मानो आकाश रूपी वस्त्र पर लगे हुए हैं। जैसे हम लोग कपड़े सिलते हैं नए नए, तो हम लोग भी अपने कपड़ों पर कुछ बीट्स लगाते हैं या कुछ ऐसे चमकी वाली चीज़ें लगाते हैं, तारे लगाते हैं, उसको ऐसा कुछ लगाकर सुंदर बनाते हैं ना। उसी तरह लड़की कह रही है कि ये जो तुम्हारी पोशाक है, आकाश जो है वह तुम्हारे वस्त्रों की भांति है, और उसके ऊपर ये आकाश में जो तारे हैं वो वस्त्र पर जड़े हुए हैं, और तुम्हारे कपड़ों में से केवल तुम्हारा गोरा चिट्टा व गोल मटोल मुंह ही नजर आता है। कहा है ना सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना
गोरा चिट्टा गोल मटोल, मतलब वो जो आकाश रूपी वस्त्र को पहन रखा है चांद ने, उसने अपने शरीर के सारे अंगों को उन वस्त्रों के अंदर ढक दिया है और केवल उसका फेस, गोल गोल चांद रूपी जो चेहरा है, वही नजर आता है। इस तरह लड़की अपनी कल्पना के आधार पर चांद से बातें कर रही है, कह रही है, ठीक है। तिरछा यानी टेढ़ा, गोरा चिट्टा यानी गोरा गोरा, सफेद चिट्टा यानी सफेद, ठीक है। आइए अगला पद देखते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। आप कुछ, उसके पहले भी एक लाइन है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, स्मित यानी दिशाएं, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, गोकी यानी मतलब हालांकि, वाजी वाह हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, नीरा यानी बहुत, पूरा की पूरा, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। यहाँ तक देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, पोशाक यानी वेशभूषा, वस्त्र अभी अभी आपको बताया, चारों स्मित यानी चारों दिशाओं, चारों ओर, गोकी यानी हालांकि यानी, नीरा यानी बहुत, ठीक है। अब इसमें लड़की कहती है कि तुमने अपनी पोशाक गोलाई के आकार में पूरे आकाश में फैलाई हुई है, लेकिन फिर भी तिरछे नजर आते हो तुम। तुम भी खूब हो, हमें क्या मूर्ख समझ रखा है, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम जानते हैं कि तुम घटने बढ़ने की, तुम्हें एक बीमारी है, तुम घटते हो, कभी घटते हो कभी बढ़ते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लड़की कल्पना करती है पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है और अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता है, घटता जाता है। तो इस तरह वो लड़की कहती है कि हमें पता है तुम्हें घटने और बढ़ने की बीमारी है। अब आगे देखिए, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने को आता है, समझा कुछ। देखिए, दम न लेना यानी विश्राम न करना, मरज यानी रोग बीमारी। अब इन पंक्तियों में वह 10-11 साल की लड़की कहती है, इन पंक्तियों के माध्यम से लड़की कहना चाहती है, वो चांद पर कटाक्ष करते हुए कहती है, क्या कहती है कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं भाई, घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बिल्कुल समाप्त अर्थात लुप्त होकर गायब होकर ही दम लेते हो, दूसरी ओर बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। तुम्हें तो भैया घटने बढ़ने की लाइलाज, मतलब कभी इलाज न हो सके ऐसी कोई बीमारी है, हम सब जानते हैं। इस तरह वो लड़की चांद से कह रही है। तो इस कविता में यह 10-11 साल की लड़की चांद के बारे में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है, अपनी भावनाओं के बारे में उसकी क्या फीलिंग्स है वो बता रही है कि चांद गोल है पर तिरछा नजर आता है, उसने तारों से जड़े हुए सारे आकाश को वस्त्रों की तरह, वस्त्र की भांति पहन रखा है, उसने अपना गोरा चिट्टा मुंह खोल रखा है और अपनी पोशाक को चारों ओर फैला रखा है। लड़की चांद पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि हम तुम्हारी असलियत जानते हैं कि तुम्हें घटने बढ़ने की बीमारी है, तुम जब घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो
और एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देते। जब तुम बढ़ने पर आते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हो और एकदम गोल होकर ही दम लेते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कविता पढ़ी चांद से थोड़ी सी गप्पे, जिसके कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, एक बार आप लोग भी फिर से इस कविता को पढ़ोगे ध्यान से, सही सही उच्चारण के साथ में, और पुनः एक बार समझने का प्रयास करोगे। चाहो तो वीडियो को दोबारा तिबारा आप लोग देख लीजिए। फिर अगले वीडियो में या अगले सेशन में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। साथ ही थैंक यू, बाय बाय।